नमस्कार, मैं पूजा, आप सभी का स्वागत है किचन टू किचन में। आज हम बनाएंगे सूजी मोदक। इसे आप गणेश चतुर्थी में जरूर ट्राई कीजिएगा। सूजी मोदक बनाने के लिए पैन गर्म होने के लिए रख दिया था। पैन में 3 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब इसमें डाल देंगे 4 बड़ा चम्मच कटा हुआ काजू और 4 बड़ा चम्मच कटा हुआ बादाम। 1/4 कप नारियल का बुरादा डाल देंगे और इस सारी ड्राई फ्रूट को अच्छे से चलाते हुए हम भून लेंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे बस 1 मिनट के लिए हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। तो आप देख सकते हैं हल्का इसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। बस हल्का सा जब कलर चेंज होगा तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं भूनना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट हमारे भून करके रेडी हो गए हैं। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे निकाल करके फिर से वही पैन गर्म होने के लिए रख दिया है और 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप सूजी। आप जाड़ा वाला या बारीक वाला कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं। और अब सूजी को अच्छे से चलाते हुए हम भून लेंगे। लगभग 2 मिनट के लिए भूनेंगे हम इसे। गैस का फ्लेम हमें रखना है मीडियम, यानी कि मध्यम फ्लेम रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी के जो दाने हैं हल्के से जो बड़े हो गए हैं, यानी कि फूलना स्टार्ट हो गया है। और घी जो हमने यूज़ किया है वो भी सूजी से बाहर आ गया है, यानी कि रिलीज़ हो गया है। तो चीनी का पाउडर डाल देंगे 4 से 5 बड़ा चम्मच। चीनी का पाउडर आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, या अखा चीनी भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसमें जो हमने भून करके रखा था ड्राई फ्रूट वो डाल देंगे। चीनी अगर डालेंगे तो मेल्ट होने में उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और चीनी का पाउडर फटाफट से मिक्स हो जाता है। अभी इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पर 1/4 कप दूध लिया है, जिसमें मैंने 6 से 7 केसर के धागे डाल के रख दिया था, जिससे कि बहुत बढ़िया कलर आएगा हमारे मोदक में। अगर आपके पास नहीं है केसर का धागा तो आप सादा दूध यूज़ कर सकते हैं। दूध उबला हुआ होना चाहिए और अच्छे से ठंडा होना चाहिए, आप वो दूध यूज़ कीजिएगा इसमें। और अगर आप चाहते हैं कि कलरफुल मोदक बने तो थोड़ा सा आप यहाँ पर फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे और बढ़िया से और 2 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे। मतलब टोटल हमें इसे पकाने में 6 से 7 मिनट लग जाता है। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का ये गाढ़ा होने स्टार्ट हो गया है। जब पूरे तरीके से अच्छे से ये डो मोदक बनने के लिए जब रेडी हो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा सा सॉफ्ट और स्मूथ डो हो जाएगा। और जो हमने घी यूज़ किया है वो घी है, घी जो इसके बाहर आ जाएगा, यानी कि बढ़िया से इसका सॉफ्ट हमें डो बना लेना है। अभी ये हल्का सा गीला लग रहा है तो और भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे चलाते हुए बढ़िया से पकाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद करती हूँ और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। तो हल्का सा ठंडा हो गया है तो अब फटाफट से हम मोदक बनाएंगे। तो यहाँ पर साँचा ले लिया है मोदक का मोल्ड, थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि मोदक आसानी से निकल पाए। अब हम मिश्रण लेंगे जो हमने बना करके रेडी किया है, सूजी वाला मिश्रण, और उसे हम डालेंगे मोदक के मोल्ड में, यानी कि साँचे में अच्छे तरीके से भर लेंगे। और अच्छे से बढ़िया से हमें भरना है और प्रेस कर देंगे। और अब जो है हम मोल्ड को खोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा पहला मोदक बन करके रेडी हो चुका है, जो कि परफेक्ट एकदम ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो इसे हल्का सा हम दबा देंगे और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी केसर का धागा, जिससे और भी ये ब्यूटीफुल लगेगा। तो इसी तरीके से बाकी के जो मोदक है उसे मैं फटाफट से बना करके रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने मोदक बनाकर रेडी कर लिया है। एक मोदक हम तोड़ करके दिखाते हैं आपको कि ये कैसा है। बिल्कुल सॉफ्ट बना हुआ है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।